सेल्फी के लिए फैन ने पकड़ी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गर्दन, आगे जो हुआ उसे देखकर हो जाएंगे शॉक्ड। फिल्म फोटोग्राफी को लेकर बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच नवाजुद्दीन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बार बार देखी जा रही है। वहीं वीडियो देखने के बाद फैंस काफी हैरान हैं, जिसमें एक फैन ने नवाज की जबरन गर्दन पकड़ सेल्फी लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। नवाजुद्दीन की यह वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की बताई जा रही है। वायरल हुई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नवाज फैंस के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फैंस को निराश न करते हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही नवाज अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं, तभी एक फैन पीछे से नवाज की गर्दन पकड़कर अपनी ओर खींचता है। फैंस की इस हरकत से नवाज एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सुरक्षा कर्मियों की नजर उस लड़के पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने लड़के को वहां से हटाया। इस पूरे वारदात की एक वीडियो को फिल्म क्रिटिक्स वीरल भिवानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया है। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपनी अगली फिल्म रात अकेली है की शूटिंग कर रहे हैं। नवाज की इस फिल्म का निर्देशन निर्देशक हनी त्रेहान कर रहे हैं। इस फिल्म में नवाज यूपी पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुटे हैं। इस फिल्म के अलावा नवाज फिल्म फोटोग्राफ में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। बता दें कि लंच बॉक्स की सफलता के बाद दोनों रितेश बत्रा और नवाज एक बार फिर साथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में नवाज फोटोग्राफर की भूमिका अदा कर रहे हैं, वहीं सानिया एक कॉलेज गर्ल का किरदार निभा रही हैं। हाल ही में इस फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था, जहां फिल्म को काफी अच्छे रिव्यू मिले।